हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन डब्ल्यू एस क्यूबटेक चैनल। वैसे आपने आज आवाज़ बहुत अच्छी आ रही होगी क्योंकि आज नया माइक आया है, इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम इसके साथ वीडियो बना रही हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पहले वाली अच्छी थी या फिर अभी आवाज़ अच्छी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ जी, तो अब मुद्दे पर आते हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। देखिए, पहले ना मतलब जब मैं इस फील्ड में नहीं थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सर्च इंजन ना कैसे काम करते हैं कि जब भी हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे अगर मैंने टाइप किया गूगल पर कि ब्लैक ड्रेस, तो गूगल का जो सर्च इंजन है वो जाता है वेबसाइट्स पर और देखता है कि कहाँ ब्लैक ड्रेस पड़ी है, कहाँ ब्लैक ड्रेस पड़ी है, और वो मुझे आके रिजल्ट दे देता है। पहले मुझे ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आप कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी आप कीवर्ड टाइप करते हैं, उससे पहले गूगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका होता है, पहले ही कुछ फंक्शंस कर चुका होता है, उसके बाद में वो आपको रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि आखिर ये सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो देखिए, आपको पता है कि इंटरनेट पर यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर बहुत सारा डेटा पड़ा है, बहुत सारा मतलब थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टीबीज यहाँ पर डेटा यहाँ पर रखा है। तो उस डेटा को जब भी अपलोड करता है क्रिएटर, जैसे अगर मैंने वेबसाइट बनाई तो मैंने कोई ब्लॉग अपलोड किया, कोई इमेजेस अपलोड की, कोई भी मैंने चेंजेस अपनी वेबसाइट में किए या फिर कोई नई वेबसाइट आई, तो ऐसे में गूगल का क्रॉलर, हम इसे कहते हैं तो क्रॉलर या फिर आप इसमें स्पाइडर भी कह सकते हैं, तो क्रॉलर जाता है और उस सारे डेटा को क्रॉल करता है, यानी उस पर रेंगता है, देखता है कि कौन सी चीज कहां पड़ी है, इस वेबसाइट पर क्या कंटेंट पड़ा है। ये कुछ भी सर्च करने से पहले ही वो सारे कंटेंट को जाकर क्रॉल कर रहा है, देख रहा है कि कौन सी चीज कहां पड़ी है, और उस सारे डेटा को उठा के अपने लोकल सर्वर, सर्वर का मतलब आप यूं समझ लीजिए कि गूगल की जो खुद की हार्ड डिस्क है उसमें वो सेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, जैसे मैं गूगल की ही बात कर रही हूँ जिससे आप बेटर तरीके से समझ पाएं, लेकिन यहाँ मैं हर एक सर्च इंजन की बात कर रही हूँ। तो सर्च इंजन का क्रॉलर यानी स्पाइडर डेटा को क्रॉल करता है इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है और उसको उठाकर अपने लोकल सर्वर में पुट कर देता है। ठीक है, लोकल सर्वर को हम नहीं देख सकते, वो उनका लोकली हार्ड डिस्क पड़ा है, किसी की हार्ड डिस्क को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो लोकल सर्वर में अब वहां पर गूगल के जो इंडेक्सर्स हैं, ठीक है, क्या बोला जाता है जिन्हें इंडेक्सर्स, तो गूगल के इंडेक्सर्स इन्हीं लोकल सर्वर को क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अभी एक वेबसाइट बनी, उस पर ब्लैक ड्रेसेस, पिंक ड्रेसेस, मरून ड्रेसेस, ऐसे बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, तो गूगल सिर्फ वहां से डेटा उठाएगा और उसको लोकल सर्वर में डाल देगा। अब इंडेक्सर क्या करेंगे कि ब्लैक ड्रेसेस को अलग पुट करेंगे, ब्लैक शर्ट्स को अलग कर देंगे, उसके अलावा जो शर्ट्स हैं टोटल जो उनकी अलग कैटेगरी बन जाएगी। तो मतलब जो इंडेक्सर का काम है वो है कैटेगराइज करना कि जितना भी लोकल सर्वर पर डेटा पड़ा है सर्च इंजन के, उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर देना, जिससे कि गूगल रिलेवेंट रिजल्ट्स अपने यूजर को दे पाए। तो ये काम होता है इंडेक्सेस का। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जिससे आपको इतनी प्रोसेस काफी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मेरे पास एक लाइब्रेरी है, मैं एक लाइब्रेरी मैनेज करती हूँ, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगी कि फर्स्ट कीजिए कि मेरी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, या फिर कह लीजिए मेरी एक किताबों की दुकान है। तो मैंने कहीं से किताबें खरीदी बहुत सारी अपनी शॉप के लिए या मेरी लाइब्रेरी के लिए, और मैंने बहुत सारा लॉट मंगवाया, तो लोडिंग टैक्सी आई, ट्रक आया जिसमें मेरी सारी बुक्स आई। तो मेरे पास तीन प्योन हैं, तो उसमें से मैंने एक प्योन को भेजा कि आप जाइए और उस ट्रक में से सारी जो बुक्स हैं उसको उठाकर लेकर आइए। तो उस प्योन ने क्या किया, सारी बुक्स को उठाया और मेरा जो हॉल था, लाइब्रेरी का मेन हॉल था, वहां पर उन्होंने ढेर लगा दिया। ठीक है, तो जो मेरा पहला प्योन था उसका नाम था क्रॉलर यानी स्पाइडर। तो उसने क्या किया, डेटा को उठा के लाया और यहां पर फेंक दिया, मतलब लोकल सर्वर में यानी मेरे हॉल में रख दिया। अब मैंने अपने दूसरे पियोन को बोला कि आप जाइए, वो जो वहां पर किताबें रखी हैं उन किताबों को कैटेगरी वाइज, कि हिंदी की किताबें अलग हो गई, इंग्लिश की किताबें अलग हो गई, फिर हिंदी और इंग्लिश में जैसे साहित्य की यानी लिटरेचर की अलग हो गई, इकोनॉमिक्स की अलग हो गई, मैथ्स की अलग हो गई, टेक्स्ट बुक्स अलग हो गई, मैगजीन्स अलग हो गई, न्यूज़पेपर अलग हो गए। तो मैंने उन्हें बोला कि आप ये सारी कैटेगरीज में क्या कीजिए, सारी बुक्स की जो शेल्फ्स हैं उनको जमा दीजिए। तो वो मेरा सेकेंड पियोन गया, उसने वो सारे डेटा को यानी सारी बुक्स को उठाया और कैटेगरीज में जमा दिया। अब मेरा जो दूसरा पियोन हुआ वो क्या कहलाया, वो कहलाया इंडेक्सर। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, कैटेगरीज में मेरे डेटा को सेव करके रख लिया।
अब ये जो मेरा डेटा जमा हुआ है कैटेगरीज बनने के बाद में जो मेरा डेटा जमा हुआ है वो है मेरा मेन सर्वर, यानी गूगल का मेन सर्वर जो कि हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर दो पियॉन्स का काम खत्म हो गया, तो अब बारी आती है तीसरे पियॉन की, यानी अब काम है तीसरे पियॉन का। अब तीसरे पियॉन का क्या काम है ये सुनिएगा कि जब भी कोई यूजर आएगा और यूजर बोलेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो तीसरा पियॉन भाग कर जाएगा और जहां जहां इंडेक्सर्स ने बुक रखी है उसको यूजर की क्वेरी के अकॉर्डिंग उसे वो बुक ला कर देगा। कि जैसे वो कहता है कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर की किताब चाहिए, तो वो पियॉन जाएगा और ढूंढ कर वो किताब लेकर मेरे यूजर को देगा, और वो यूजर को कैसी किताब देगा, बहुत ही रिलेवेंट किताब देगा जो भी उसे चाहिए। तो यही गूगल करता है कि सबसे पहले क्रॉलिंग हुई, क्रॉलिंग के बाद में इंडेक्सिंग हुई, और फिर गूगल की जो रैंकिंग एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि हमने बहुत सारी रैंकिंग एल्गोरिदम्स की हम बात करेंगे कि किस तरह से गूगल रैंकिंग देता है, तो उन रैंकिंग एल्गोरिदम के बेसिस पर गूगल आपको रिजल्ट दिखाता है रैंकिंग में। क्योंकि इंडेक्सिंग तो सारी हो गई, कैटेगरीज तो बढ़ गई, लेकिन उसमें पहले कौन सा रिजल्ट आपको दिखाना है, दूसरे नंबर पर कौन सा दिखाना है, तीसरे कौन से दिखाना है, इमेजेस में कौन सी इमेजेस दिखानी है, ये सारी चीजें रैंकिंग एल्गोरिदम करती हैं। तो पहला हुआ क्रॉलिंग, दूसरी हुई इंडेक्सिंग, और तीसरे में हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप गूगल पर कुछ भी टाइप करते हैं तो आपको जो रिजल्ट पेज दिखता है उसे हम कहते हैं SERP या फिर SERP, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर जिस भी रैंकिंग में आपको रिजल्ट दिखते हैं वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करती है गूगल की रैंकिंग एल्गोरिदम। अब वो रैंकिंग एल्गोरिदम क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियोज में समझेंगे, एंड उन सभी रैंकिंग एल्गोरिदम पर काम कैसे करना है, किसको कैसे समझना है, ये सारा हम इस कोर्स में बात करेंगे। जो जिस कोर्स की आप ये वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट SEO कोर्स हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि हमें ना सिर्फ रैंकिंग पर ही काम करना है, कि रैंक पर, कि SEO की डेफिनेशन यही होती है कि हमें रैंक करवाना टॉप पर। जी नहीं, सिर्फ हम रैंकिंग की बात नहीं करेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि कैसे आप बेटर क्रॉलिंग करा सकते हैं अपनी वेब पेजेस, अपनी वेबसाइट की, कैसे बेटर इंडेक्सिंग हो सकती है आपकी, और फिर रैंकिंग की हम बात करेंगे। तो मैं एक भी पॉइंट आपका नहीं छोड़ने वाली, सारे पॉइंट्स हम इसी कोर्स में कंप्लीट करेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एंड आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। वैसे हम आगे भी और भी डेप्थ में इसकी बात करते रहेंगे, अभी मैंने एज बिगिनर आपको जितना जानना चाहिए उतनी मैंने बात की है। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही कोई भी आपकी क्वेरी हो, डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो जिससे एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।